इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल, गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन, तनिषा, प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संघ प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर संयम करण ग्रामम एकाग्र चेतसिन चेतसा। आत्मन मतलब आत्मा, करण ग्रामम मतलब इंद्रिय समूह को, इंद्रिय समूह। करण ग्रामम एकाग्र चेतन चेतसा, करण ग्रामम का मतलब ले लिया है यहाँ पर इंद्रिय समूह। आपका ही गांव नहीं है, आचार्य यहाँ कह रहे इंद्रियों का भी एक गांव है। इंद्रिय का गांव के नाम का क्या है? इंद्रिय के गांव का नाम का, इंद्रिय के गांव के नाम, गांव का नाम क्या है? हाँ शरीर। इंद्रिय कौन से गांव में रहती हैं? आप कौन से गांव में रहते हो? आप तो गुवाहाटी के शहर में रहते हो, राजधानी रहते हो, दिसपुर राजधानी है, लेकिन इंद्रियां गांव में रहती हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? करण ग्राम, करण ग्राम का मतलब है इंद्रियों का गांव। इंद्रिय के गांव का नाम क्या है? ये कौन सी राजधानी में है? ये मन की राजधानी में है। आत्मा के, आत्मा तो पूरा का पूरा देश है, पूरा विश्व है। आत्मा में सब कुछ समाहित है, आत्मा में। लेकिन हम अभी क्या एक एक स्टेट को पकड़कर बैठ गए? ये हमारा गांव है ना, हमारा राष्ट्र, हमारा ये। आत्मा में तो सर्वज्ञ है, आत्मा में ये छोटी मोटी चीजें नहीं। आत्मा कोई परचुनी की दुकान नहीं खोलता है, आत्मा जब भी खोलेगा होलसेल का काम करेगा। ये इंद्रियां है ना, थोड़ी थोड़ी में खुश हो जाती हैं, ये छोटी मोटी रिटेल की दुकान इंद्रियां। आत्मा होलसेलर है ना, थोड़ा सा तुम्हें कुछ मिला इंद्रिय खुश। आत्मा थोड़ी सी चीज में खुश होने वाली नहीं है, आत्मा तो कहेगा मुझे चाहिए तो पूरा चाहिए। अभी तो गर्मी लगे तो पंखा चालू, इंद्रिय खुश। खाने को कुछ चाहिए, अच्छा चटपटा मिल गया, इंद्रिय खुश। देखने को मन मुताबिक मिल गया, इंद्रिय खुश। आत्मा कहेगा मैं ये देखने से काम नहीं मेरा चलेगा, मुझे तो तीनों लोग देखना है। अब आप बताओ, तीनों लोग देखना है या अच्छी पिक्चरें देखना है? अच्छा जो तुम्हें लग रहा है वो देखना है। आप विचार करके रखना, भागचंद जी क्या देखना है? घर दुकान मकान देखना है या तीनों लोग देखना है? आप इतना ही ख्याल करना, घर देखने में खुशी हो रही है, मकान देखने में तो खुशी हो रही है, पति देखने में खुशी हो रही है, पत्नी देखने में खुशी हो रही है, खुशी सीरियल देखने में खुशी हो रही है, और किसी को किसी का झगड़ा देखने में खुशी होती है। तो ये सब ही संसार है। किसी को दूध मलाई रबड़ी खाने में खुशी हो रही है, किसी को चटपटा खाना है, किसी को सिंपल खाना है। हाँ आप विचार करके रखना, किसी को ठंडा, किसी को गर्म, कहाँ किस में खुशी हो रही है। ओम जी आपकी खुशी क्या है? इनकी खुशी तो महाराज आ जाएं और महाराज की सेवा कर लूं और महाराज की व्यवस्था बना दूं, इसकी इनकी खुशी वो ही है। अब से कोई करो, पूजा कोई करो, व्रत कोई लो, संयम कोई लो, कुछ भी करो तुम, हमें तो बस महाराज की व्यवस्था अप टू डेट होना चाहिए, क्योंकि आज महाराज यहाँ हैं 24 घंटे। अगर कोई सेवा में तत्पर हैं तो हमारे ओम जी और कैलाश जी, ये दो परिवार ऐसे दो हैं 24 घंटे कभी भी। ओम जी और कैलाश जी, कैलाश जी भी आते पूरी सेवा में लगे रहते हैं, और ओम जी तो हमारी नहीं पूरे संघ के सेवा में लगे रहते हैं। जब भी जिसको कोई भी है तो केवल ओम जी का नाम करते हैं, है ना, ओम ओम करके भगवान तर जाते हैं, संघ की व्यवस्था बनती रहती है। तो विचार करना, इन सब से और आगे बढ़ना है ओम जी, यहीं तक नहीं रहना है,
ये सब सेवा यहीं की यहीं रह जाने वाली हैं और हम चले गए और आप चले गए, ये नहीं, इसके अलावा जो हमें पाना है। आचार्य यहाँ यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इंद्रियों का भी एक गांव है, उस गांव का नाम है शहर, उस शहर का नाम है शरीर, और वो उसकी राजधानी मन, क्योंकि राजधानी में जैसा डिवाइड हो, जैसा बताया जाता है वैसा चलना शुरू कर देते हो, और जब इस राजधानी से हटोगे ना और इंद्रियों के शहर से हटोगे ना, तब तुम्हें अखंड ब्रह्मांड नजर आएगा, और जो अखंड ब्रह्मांड नजर आएगा तब समझ के रखना अब तुम अपने आत्म तत्व की ओर जाने का प्रयास कर रहे हो। आत्मा छोटा मोटा काम नहीं करती, आत्मा ये नहीं कहती कि हमने पढ़ लिए चार श्लोक हमें याद हो गए अब हमसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं, हम बोलना सीख गए अरे हमसे ज़्यादा अच्छा तो कोई बोल ही नहीं सकता है, बोल के बता दे कोई। ये इंद्रिय का सुख है, ये मन का सुख है, आप विचार करके रखना, और मन में किसी ने कुछ कह दिया अच्छा अब मुँह लटका के बैठ गए, ऐसा लग रहा थोड़ी देर बाद कोमा में चले जाएंगे जी, ये क्या है, ये इंद्रिय का सुख और दुख है, इससे आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। आत्मा कह रहा है तुम लगे रहो फुटकर के काम में, आत्मा कह रहा है जब मेरे पास आओगे ना तो ये क्या कानों में कीलें ठोक दी जाए तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, सर पे सिगड़ी जला दी जाए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, गरम गरम आभूषण पहना दिए जाएं तो भी तुम अपने आप में मस्त रहोगे, तब वो आत्मा का सुख मिलेगा। अभी तो अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो गाना गाते हो, कांटा लगा, गाते कि नहीं गाते हैं, ऐसे उसमें चले जाते हो आप, तो विचार करके रखना आत्मा का सुख मिलेगा कब, जब ये बाह्य के सुख। लेकिन ख्याल करो हम इस विषम काल में है, शरीर का सेनन इतना नहीं है, शरीर का सेनन इतना नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा भी सुख और दुख सताने लगता है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये भाव आने लगे, ये सुख और दुख, मैंने कल कहा था ना मैं सुखी हूं, इसमें कहां तुम हो, मैं हूं, ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए ना, मैं हूं सुखी और दुखी तो शरीर होता है। आप विचार करना, आज आचार्य कह रहे हैं जो इंद्रियों के विषयों से हटते हैं वो ही एकाग्रत्वेन चेतसा, वो एकाग्र होकर आत्मा के ध्यान को कर सकते हैं। आत्म बनात्म ध्यानेद, आप विचार करना एकाग्रता से आत्मनि अपनी आत्मा में स्थित होकर, आत्मनम अपने आत्मा का, आत्मना एव अपने आत्मा के द्वारा ही ध्यान करते। इंद्रियों के द्वारा जो ध्यान हो रहा है वो इंद्रियों का ही हो रहा है, इंद्रिय के द्वारा आत्मा का ध्यान कर सकते हो क्या, हाँ इंद्रिय के द्वारा जो ध्यान करोगे वो इंद्रिय का ही होगा, बनिया की दुकान पे बनिया का सामान मिलेगा, ये बात कल करेंगे इसमें, इंद्रिय के पास तो इंद्रिय का ही माल मिलेगा, आत्मा का माल मिलने वाला नहीं है, है तो है, आत्मा से रहित इंद्रियां जागृत नहीं होती हैं, लेकिन जब आत्मा का ध्यान करना है तो आत्मा से करना पड़ेगा। ख्याल करो आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं पंच इंद्रिय का व्यापार रोको, पंच इंद्रिय का व्यापार तुमने इतना बढ़ा लिया है, हमारे रतनकांड साहब का चार में पंच इंद्रियों का व्यापार बताया है, स्पर्श इंद्रिय का व्यापार, रसना इंद्रिय का व्यापार, चक्षु इंद्रिय का व्यापार, ग्रहण इंद्रिय का व्यापार, कर्ण इंद्रिय का व्यापार। स्पर्श इंद्रिय का व्यापार क्या है, हाँ स्पर्श इंद्रिय का व्यापार है उसने आठ फैक्ट्रियां लगा रखी, स्पर्श इंद्रिय ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आठ फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, और तुम रोज माल खरीद रहे हो उनका। स्पर्श इंद्रिय ने आठ फैक्ट्री लगाई हैं, रसना इंद्रिय ने पांच फैक्ट्रियां लगा ली हैं, ग्रहण इंद्रिय ने कहा मेरे पास ज़्यादा नहीं है तो मैं भी दो फैक्ट्री तो लगाऊंगी, चक्षु इंद्रिय ने कहा मैं भी पांच लगाऊंगी, और कर्ण इंद्रिय ने सात फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। कितनी फैक्ट्री के मालिक हो आप, 27 फैक्ट्री के मालिक हो आप, आठ स्पर्श इंद्रिय की फैक्ट्री आपके पास है, पांच रसना इंद्रिय की, आठ पांच 13,
दो घ्राण इंद्री की फैक्ट्री लगा ली, 13 × 2 = 15, 5 चक्षु इंद्री की लगा ली, 15 × 5 = 20, और 7 कर्ण इंद्री की लगा ली, 27, और 1 उसमें मालिक बनाया तुमने। मालिक कौन है? सब मालूम है तुमको। आप विचार करके रखना, आपने 27 फैक्ट्री में एक मैनेजर बना के बैठा के रखा है, और वो मैनेजर कहता है जैसा मैं कहूं वैसा ही चलना चाहिए काम। अब मैनेजर का जो मालिक था उसकी तुम सुन नहीं रहे हो। आजकल हो ही ये रहा है, हम अगर दुकान में, ऑफिस में या फैक्ट्रियों में सुनील भाई किसी को मैनेजर बना के बैठा देना, वो मैनेजर मालिक ही बन जाता है। वो सोचता है कि अब मैं 20 साल से हूँ, तुम्हारे अपना मैनेजर जो बनाया ना, किसी के पास 50 साल से मैनेजर मैनेजरी कर रहा है। फैक्ट्री तो आपने जन्म जैसे ही माँ के गर्भ में आए ना, आपने तुरंत फैक्ट्री लगाना शुरू की। 5 पर्याप्तियाँ तुरंत होती हैं। जैसे ही जो जीव माँ के घर में आया, 5 पर्याप्तियाँ तुरंत से होती हैं, 6 पर्याप्तियाँ तुरंत शुरू हो जाती हैं। 1 इंद्री को 4, 2 इंद्री से 5, और 6 पंच इंद्री संगी से 6 पर्याप्ति होती हैं, फैक्ट्री लगना शुरू। और आप विचार करके रखना, फैक्ट्री लगने में मैनेजर भी तैयार हो जाता है धीमे धीमे। किसी ने 20 साल से मैनेजर बैठा रखा है, फैक्ट्री लगा रखी है, किसी ने 40 साल से, किसी ने 50 साल से, किसी ने 70 साल से, 80-90 साल से, और मालिक की ओर ध्यान नहीं जा रहा कि फैक्ट्री लगी कौन की, किस मालिक की वजह से फैक्ट्री लगी है। और आप विचार करो, मालिक को भूल जाओ, मैनेजर में और नौकरों में लगे रहो, तो फिर क्या होगा? उन्हीं में काम चलाओ। अब नई मामा मिले तो काने मामा से काम चला हूँ। आप विचार करके रखना, ये सब हमारी फैक्ट्रियाँ, हमारे नौकर कर्मचारी, हमारा मैनेजर, ये सब तुम्हारी आत्मा की वजह से हैं। और अगर आत्मा ही तुम्हारे पास नहीं हो तो ये मैनेजर क्या करेगा और ये सारी फैक्ट्रियाँ क्या करेंगी? 5 इंद्री रूपी फैक्ट्रियां आपने लगा रखी हैं, इनसे अच्छा काम कराओ। ऐसा नहीं है ये अच्छा प्रोजेक्ट नहीं निकालते हैं, अच्छा प्रोड्यूशन भी कर सकते हैं। तुम्हारा मन स्वतंत्र है, अच्छा सोचो या बुरा, तुम्हारी फैक्ट्री में माल अच्छा बनाओ या खराब। ऐसा कौन आदमी होगा जो अपना मशीन लगाए, कारखाना खोले और मशीन कपड़ा खराब बनाए? वो तो चाहता ना अच्छे से अच्छा कपड़ा बने। अगर आप मशीन लग कारखाना खोलो, किसी भी चीज़ का खोल लो, खराब माल बनाने वाला कारखाना कौन सा है? खराब माल कोई बनाना नहीं चाहता, गलती से बन जाता है, रॉ मटेरियल मिसयूज हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो हम इतना ही विचार करें, ये शरीर से हम कौन चाहेगा कि हम खराब माल तैयार करें? अच्छा माल बाजार में जाए तो लोग लपक कर ले लें, बाजार में जाए तो आदमी उस माल को, भाई निकलने वो माल फैक्ट्री से निकले ही ना और मिल जाए, माल अच्छा है ना, तो लपक के लोग ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ आप तैयार करो, अपने इस इंद्री को, अपने इन इंद्रियों को जोड़ने का प्रयास करो, इंद्रियों से अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करो कि तुम्हें देखने के बाद, तुमसे सुनने के बाद, तुम्हारे बातों को कर्ण में पढ़ने के बाद उस आदमी को आनंद में महसूस होना चाहिए। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, दुनिया में रहो दुनिया के लिए, लेकिन जब अपने आप में लौटो ना तो अपने आप के होके चले जाना। जैसे ही तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ आएगा तो 5 इंद्री के विषय छोड़ना नहीं पड़ेंगे, अपने आप छूटते चले जाएंगे। तो आत्मा का ध्यान करना है, ये सब कुछ मिलेगा। गेहूं की खेती कर रहे हो, धान की क्या चिंता करना, ख्याल करके रखो। घी बनाने का प्रयास करो, दूध का छाछ तो दही की अपने आप ही निकलने वाली है। कौन समझदार होगा जो छाछ के लिए दही बनाएगा? हाँ, आप विचार करके रखना, अपने आप मिलने वाला है। इतना ही विचार करो, हम अपने जीवन को उस आत्म तत्व तक ले जाना है। 5 इंद्रियों का व्यापार जो चल रहा है, 5 इंद्रियों के व्यापार से अपने आप को बचाने का प्रयास करो। हम बाहर की इंद्रियों से अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे, उसके इंद्रियों को व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए आचार्य ने क्या कहा,
संयम। आचार्य ने कहा कि इंद्रियों के व्यापार को रोकना है तो संयम। जब तुम्हारा मन कोई बाहर की चीज को देखने के लिए जाए उससे को नहीं, इस पे इच्छाओं का निरोध कर दो। इच्छा निरोधा तपा। पांचों इंद्रियों के विषय बाहर बाहर के लिए जाएंगे कब तक करते रहोगे? अनादिकाल से तो करते आ रहे हो, अनादिकाल से वही संसार की क्रियाएं कर रहे हो, अनादिकाल से वही प्रवृत्ति में फंसे हो। मुझे तो कई बार हम अपने साधुओं पर, हमें अपने आप पर एक गर्व महसूस होता है, हमें अपने आप पर, अपने साधुओं पर गर्व महसूस होता है कि कितनी बाहर की प्रवृत्तियों से बच गए, कितने झंझट। हमारे पास खाने में 25 चीजें हैं, क्या खाऊं क्या छोड़ूं, इतने विकल्प। अपने को तो वही क्या, लौकी की सब्जी, तुरैया, तुअर की दाल, उसके अलावा क्या करना है। तुम और चीजें बना भी लिए तो मेरे को लगता है पता नहीं है अब जी कितना बड़ा आक्रमण मेरे ऊपर हो रहा है। अब विचार करना, सिंपल, जितनी लाइफ तुम्हारी होगी उतना तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। हम इतना ही विचार करें, हमें अपने इंद्रियों के संयम को रोकना है, आंखों के वस्तुओं को रोकने का प्रयास करें और आत्म तत्व की ओर ध्यान करें। मुझे बहुत खुशी है कि आप उस चेतन तत्व को जाने के लिए अपने आप को पाने का प्रयास करते हैं। अभी जैसे हम देख रहे थे प्रवचन शुरू हुआ, सुधा बहन दौड़ की जल्दी से आई, हमने लगा कि इनको प्यास है, समय लेट नहीं होना चाहिए। और आप लोग सुबह से इंतजार करते हो कब महाराज बोलें और कब हम अपने आप को समझने का प्रयास करें। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोगों के माध्यम से मुझे नए नए चिंतन आ रहे। पीछे बोला वो पीछे ही रह गया, मैं लिख के कुछ अल्लाह आया, लेकिन इंद्री का व्यापार यहाँ नया शुरू हो गया, बड़ा कारखाना, बड़ी फैक्ट्री हमने लगा रखी है, उससे बचें। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद, राजप्रियल, गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन, तनिषा, प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी, असम।